मार्केट से तो हम लोग हमेशा पिज़्ज़ा खरीद के खाते रहते हैं, ऐसा लगता है कि बनाना बहुत मुश्किल है। चलिए आज हम घर पे बनाते हैं आसान तरीके से पिज़्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रफ़त परवीन, ऑल ओवर किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, थैंक यू। चलिए हम घर पे बनाते हैं मार्केट से भी अच्छा पिज़्ज़ा। इसके लिए सबसे पहले लेंगे गुनगुना पानी, आधा कप पानी, एक चम्मच चीनी, थोड़ा सा मैदा, इसको थोड़ा घोल देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छा से। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई यीस्ट, तीन चम्मच डालेंगे ड्राई यीस्ट, इसको घोल के 10 मिनट के लिए ढक्के से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। देखिए अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसमें मैदा डालेंगे, इस कप से 3 कप और आधा कप डालेंगे, यानी 500 ग्राम हो जाएगा वो। एक चम्मच नमक डालेंगे, छोटा चम्मच यानी आधा चम्मच नमक, जैतून का तेल, ml जैतून का तेल डालेंगे इसमें, थोड़ा सा रखेंगे बाद में मिलाने के लिए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे पहले। मैदा मैंने पहले ही छान लिया था। पानी थोड़ा गुनगुना है, ठंडा पानी नहीं है, थोड़ा थोड़ा डाल के इसे गूंद लेंगे। डो इसका गीला ही रहेगा। हाथ में थोड़ा सा तेल लगा के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए लग रहा है कि गीला हो गया है, लेकिन अब इसको हम प्लेट में डालकर इसको अच्छी तरह से इस तरह से करेंगे तो फिर बिल्कुल चिकना हो जाएगा।
देखिए डो तैयार है, बर्तन भी छोड़ दिया है। इसको गूंदने में कम से कम 10 से 12 मिनट लगता है। अब इसको हम इस तरह से राउंड करके, गोल बना करके, इसको जिसमें गूंधे थे उसी में इसको डाल के छोड़ देंगे। कम से कम 1 घंटा के लिए इसको छोड़ देंगे। 1 घंटा के बाद मिलते हैं दोस्तों। देखिए कितना फूल गया है। इस तरह से करने से इसका जो हवा है पूरा निकल गया अच्छी तरह से। इसको हम 2 तरह से बनाएंगे। कढ़ाई में भी और माइक्रोवेव में भी, ओवन में। देखिए इसे मैंने 5 भागों में बांट दिया है। इसको थोड़ा सा आटा लगा करके, सूखा आटा लगा करके बेल देंगे। इसको ज्यादा मोटा और ज्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इस प्लेट में पहले तेल लगा देते हैं, फिर इसमें लगा के उसको हाथ से फैला देंगे अच्छी तरह से। इसको फॉर्क से छेद कर देंगे ताकि फूले नहीं। पिज्जा सॉस लगाएंगे पहले। चीज कद्दूकस करके चारों तरफ डाल देंगे। शिमला मिर्च डालेंगे इसके चारों तरफ। टमाटर का भी स्लाइस है, ये भी डालेंगे। पनीर डालेंगे। थोड़ा सा प्याज भी डालेंगे। चार
चारों तरफ से थोड़ा सा नमक डाल देंगे ताकि सब्जी में नमक का टेस्ट आ जाए। फिर थोड़ा सा चीज़ ऊपर से और कद्दूकस करके डाल देंगे। अब इसको ओवन में डालेंगे 180 डिग्री पर 30 मिनट के लिए। 180 डिग्री पर मैंने इसे प्री हीट कर लिया था। देखिए कढ़ाई भी प्री हीट कर दिए थे 10 मिनट के लिए। अब इसमें इसको डालेंगे 20 से 25 मिनट तक लो टू मीडियम हीट पर इसे बेक करेंगे। देखिए कढ़ाई में भी बेक हो गया है। केक टिन में ही इसे बनाए थे ताकि निकालने में आसानी हो। देखिए ये भी तैयार है। इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, थोड़ा तीखा हो जाएगा तो टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ओरिगैनो भी डाल देते हैं। इसको काटते हैं। देखिए तैयार है पिज़्ज़ा। आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।